जी तो गैस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली ख़ान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अली ख़ान ऑफिशियल 335। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, ये तो आप हमारे थंबनेल और टाइटल में देख ही चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू सेंड मेल फ्राम जी मेल टू एनी वनस ई मेल इन मोबाइल, यानी कि हम अपने मोबाइल के अंदर किसी के भी जीमेल अकाउंट पे या किसी भी ईमेल अकाउंट के ऊपर कैसे मेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ पे मैं आपको ब्राउज़र का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। वैसे तो आप जीमेल एप्लीकेशन से भी ये मेल सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके गाइज, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का इस्तेमाल करूँगा, आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं। गूगल अकाउंट, यहाँ पे हम google.com सर्च कर लेंगे, google.com सर्च कर लेंगे। google.com सर्च कर लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या एंटर करना है, जी मेल। हमने यहाँ पर क्या लिखना है, जी मेल। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है हमने जी मेल। ओके, मैं जीमेल एंटर कर लेता हूँ। जीमेल एंटर कर लेने के बाद आपके पास ये जो आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जीमेल के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद देखिए हमारे पास पहली वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जीमेल। यहाँ पे आपने कोई और वेबसाइट ओपन नहीं करनी, ये जो सी mail.google.com वाली वेबसाइट है ना, इसी को आपने ओपन कर लेना है, इसी को। तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन कर लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। पहले तो थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद आगे हमारे पास आगे जाके जीमेल का जो इंटरफेस होता है ना, वो ओपन हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें कहेगा कि आप जीमेल ऐप ओपन करें, वहाँ से आप जीमेल सेंड करें, क्योंकि हम मोबाइल में हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। सॉरी, यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा ऑप्शन यूज़ द वेब वर्जन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक कर लेने के बाद तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने क्योंकि किसी को जीमेल सेंड करनी है, किसी को मेल सेंड करना है, तो हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी ई मेल्स आई होंगी, यहाँ पर सोशल ई मेल्स, और यहाँ पर प्रमोशन की ई मेल आई होंगी, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर सेंट मेल, जहाँ से जो हम मेल सेंड करेंगे ना किसी को, वो यहाँ पर सेंट मेल के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद ड्राफ्ट इंपॉर्टेंस फ्राम सर्कल ऑल मेल का ऑप्शन और ट्रैश स्पैम का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इसे प्राइमरी पे रहने देते हैं। हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम किसी को जीमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। जहाँ पर आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। टू जहाँ पे लिखा होगा ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उस बंदे का जीमेल एंटर करना है या ईमेल एंटर करना है जिसे आप भेजना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट फॉर YT335, ये भी मेरा अपना ही जीमेल अकाउंट है, तो लिहाजा मैं इस पे भेज दूँगा। या सॉरी, मैं इसी अकाउंट के ऊपर ही वापस भेज देता हूँ, इसी अकाउंट से इसी अकाउंट के ऊपर भेज देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या एंटर करना है, CC या ओवर BCC, इसे आप स्किप कर सकते हैं फिलहाल। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि वो जो सा बड़ी हेडिंग एक नज़र आ रही होती है ना, वो यहाँ पे आएगी। और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे कोई इमेज अटैच करना चाहें, तो यहाँ से आपको मीडिया या इमेज या वीडियो या ऑडियो कुछ भी एंटर कर सकते हैं। देखो अटैच अ फाइल ड्रास्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा था। ओके गैस, यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में एंटर कर लेता हूँ कि टेस्टिंग मेल सर्विस। ओके, यहाँ पे हम सब्जेक्ट में, यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड मैसेज आप अपना एंटर करेंगे जो आप एंटर करना चाहते हैं। हेलो, वो यार टेस्ट है मेल सर्विस। ओके गाइस, ये एंटर कर लेने के बाद, अपने मैसेज एंटर कर लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेंड का, ये देखिए, सॉरी गलती से गलत ओवरलैप हो गया, ये सेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिंपली देखिए ये हमारा मेल ये यहाँ से जा चुका है, ये यहाँ से गैस जा चुका है। और मैं आपको अगर सेंड वाले फोल्डर में लेके जाऊँ ये सेंड मेल के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ सेंड मेल के अंदर,
ये देखिए यहाँ पे हम सेंड मेल वाले ऑप्शन में आ गए हैं। यहाँ से हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है कि जो मेल हमने अभी भेजी है। ओके गैस, ये हमने भेजी है, ये हमारा सब्जेक्ट आ चुका है और ये हमारी मैसेज आ चुका है और ये जिसे हमने भेजी है। टू मी इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये मैंने अपने ही जी मेल अकाउंट के ऊपर वापस भेज दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, सॉरी यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ ऑल मेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास इंटरफेस हम देख लेते हैं। खैर यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो गैस मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी ये बिल्कुल सेम ही है। ओके गैस, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इजी मेथड है हमारी। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो पहुँच सके। ओके गैस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।